आइए बेटे स्टार्ट करते हैं। आई हैव विद मी वन वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन रादर। आपने ऐसा पहले आई थिंक कर भी रखा है, फिर भी बेटे मैं स्टेटमेंट पार्ट इसका जो है कंप्लीटली लिखता हूँ। ये क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल की फॉर्म में है। आपको दिया गया है बेटा इस केस में that a stone is dropped from the top of a tower. ये आपने एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो बैक एक्सरसाइज है वहां से मिलता जुलता क्वेश्चन किया भी था, बट ये थोड़ा सा अलग है, स्टेटमेंट में फर्क है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टू हंड्रेड मीटर हाई एट द सेम टाइम एन अदर लेट अस सी एट द सेम टाइम Another stone is projected. Vertically upwards from the ground with a velocity of 40 meter per second beta calculate when and where the two stones will beta meet calculate where and when The two stones will meet. कहां पे दोनों stones बेटे मिलने वाले हैं, आपको वो position और बेटा वो जो time है ये बताना है। Diagram मैं बनाकर आपकी थोड़ी help जरूर करूंगा, फिर आप solve करिएगा, मैं भी solve करूंगा। Imagine करिए ये एक ground level आपको दे रखा है और यहां पर बेटे जो है एक 200 मीटर हाई टावर इतनी हाइट का बना रखा है हमने। इमेजिन दिस टू बी द टावर हैविंग ए हाइट ऑफ से 200 मीटर बेटा, और इसके टॉप से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। लेट इट बी द स्टोन बीइंग ड्रॉप। और बेटे जब आप इस स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाइट आपके पास है बेटा ये 200 मीटर्स का, एट द सेम टाइम बॉटम से भी एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया गया है और ये स्टोन ऊपर फेंक दिया गया है, इसकी वेलोसिटी आपको 40 दे रखी है उन्होंने ऑलरेडी। तो आपको बताना है कि ये जो दोनों स्टोन्स हैं, जो ऊपर वाला स्टोन नीचे को आ रहा है, नीचे वाला ऊपर को जा रहा है, मान लीजिए इस पोजीशन पे क्रॉस कर रहे हैं, आपको ये डिस्टेंस बताना है कितना होगा और आपको ये भी बताना है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों स्टोन्स हैं ये मीट कर रहे हैं। सो डियर चिल्ड्रन, आप दो मिनट के लिए ट्राई जरूर करिएगा, आपने ऐसी प्रॉब्लम ऑलरेडी कर भी रखी है, एक बार कोशिश करिए। आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग दिस विद यू, फिर हम मैच कर लेते हैं अपने आंसर्स। तो स्टेटमेंट में आपको 200 मीटर हाइट का टावर, यहां से स्टोन ड्रॉप किया गया है और नीचे से एक स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया गया है, दोनों के पर्टिकुलर सारे ही आपके पास है। सो डियर चिल्ड्रन, जरा स्टार्ट करके देखिए इसको, क्या आपके पास बेटे टाइम और क्या आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द
स्टोन आता है जिस डिस्टेंस पर दोनों स्टोन्स आपके मीट कर रहे हैं बेटा। दो मिनट लगाइएगा, आई विल ऑल्सो सॉल्व दिस बेटा, सो प्लीज टेक वन और टू मिनट्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस थिंग ऑल ऑफ यू बेटा। देखिएगा बाप टाइम आपका करेक्ट आ रहा है, यस अर्शदीप कौर गुड, बिल्कुल ठीक करेक्ट हाइट कैलकुलेशन बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, ऑल एप्रिसिएशन फॉर यू ऑल। सो आइए बेटे मैं भी सॉल्व करूं, अब आप साथ साथ देखिएगा, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का रहता है वो करिए और साथ साथ अपना मैच भी कर लीजिएगा। जो टॉप से बेटे स्टोन ड्रॉप किया गया है इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए बिकॉज आप ड्रॉप कर रहे हो, और मान लो इस स्टोन ने एक्स के बराबर का डिस्टेंस कवर किया है, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। दिया बेटे एक बार रीचेक करो फिर से, एस आपका जो है एक्स के बराबर है बेटा, यू आपको जीरो दिया गया है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, टी वन बाई टू, जी आपका 9.8 इंटू टी स्क्वायर मैंने कर दिया एस एच, एक्स इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर, ये आपके पास एक्स बन गया जो टॉप से स्टोन डाउनवर्ड आ रहा है जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, और ये वाला स्टोन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये दिस डिस्टेंस इज देन 200 मीटर टोटल था, एक्स बीच में से माइनस कर दिया, इतना डिस्टेंस आपका दूसरे वाला स्टोन जो है बेटा ये कवर करेगा। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए डियर चिल्ड्रन अगर हम इक्वेशन ये वाली यूज करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो लेट अस सी बेटे व्हाट डू वी गेट ओवर हियर। इसके लिए जो आप ऊपर को प्रोजेक्ट कर रहे हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, जब आप एस आपके पास आ जाएगा 200 माइनस एक्स, यू आपके पास बच्चों देखो आपको दिया हुआ था यहाँ पर कहाँ गया ये, इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद 40 मीटर पर सेकंड, दिस इज 40, टी हमें पता नहीं है बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जी को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, ये चीज बेटे बनेगी। अब लेट अस बेटे रीअरेंज द टर्म्स फर्दर मोर, 200 माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ये आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसके साथ आप बेटे क्या करोगे, अब ये 40 इंटू टी माइनस 4.9 ये देखिए इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 4.9 टी स्क्वायर को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, इसकी जगह पर अगर मैं एक्स लिख दूं तो हमारा पर्पस देखिए सॉल्व हो जाएगा। इस इक्वेशन में इसकी जगह पर मैं एक्स लिख रहा हूं, तो आइए बच्चों देखें हमारे पास फिर ये प्रॉब्लम किस तरीके की शेप ले लेगा। लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस आइडिया बेटा, 200 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू बेटा 40 टी माइनस एक्स, इसकी जगह पे बेटे मैंने माइनस एक्स लिख दिया यहां से उठाकर, ये देखिए माइनस एक्स के साथ आपका माइनस एक्स कैंसिल हो गया, अगर ऐसे नहीं करना एक्स को उधर ले जाओ ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपका नेट जीरो आ जाएगा, आप जैसे मर्जी कर लीजिएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। 200 इज इक्वल टू 40 टी, ये माइनस एक्स, ये इधर आकर प्लस एक्स हो गया, अब खत्म हो गई आपका 40 टी इज इक्वल टू 200, एक जीरो कट गया, टी इज 20/4, टी इज 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स का टाइम लगा, आपने सबने निकाल दिया, बड़ा अच्छा लगा बेटी, नाइस कैलकुलेशन बाय ऑल ऑफ यू, इसमें पुट कर दीजिए एक्स आपके पास आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4.9, टी है 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स इज 4.9 इंटू 25,
इसको सॉल्व करके देखिएगा बेटा सारे स्टूडेंट्स, हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी बेटा 4.9 को जब आप बेटे करोगे तो आई थिंक लेट मी ऑल्सो परफॉर्म दिस कैलकुलेशन साइड बाई साइड, आप सारे बच्चे भी करके देखिएगा। 122.5 रमनीक, गुड बेटा, वेरी नाइस। 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 25, इट विल गिव यू 122.5। आई थिंक दिया ने भी निकाल दिया था ये, गुड बेटा। 122, दिस इज 122.5 मीटर्स। सो ये बेटे आपके पास एक्स बन गया। और डियर चिल्ड्रन, इसके बाद आप क्या करिए कि हाँ जी ठीक है बेटे, ठीक है ठीक है, वेरी राइट बेटे। अब आप बेटे ये ग्राउंड से कितनी हाइट है ये निकालने के लिए इसको 200 में से माइनस कर दीजिएगा। सो आपके पास जो सेकंड स्टोन डिस्टेंस कवर कर रहा है दिस इज 200, इसमें से आपने माइनस किया 122.5 को, दिस इज 577.5 मीटर्स। सारे स्टूडेंट्स पत्र चेक करो, सारे बच्चों को आंसर मिल गया या कोई दिक्कत वाली बात है? वेरी राइट बेटे, बहुत बढ़िया। फिर भी देख लीजिए, ठीक है बेटे, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन कमिंग फ्रॉम द टॉप 122.5। यस, चलें बच्चों आगे। अब देन ओके नाइस। इसके बाद बेटे एक आपका इसी चैप्टर में से और न्यूमेरिकल है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लैनेट एंड ऑल दैट। वैसे आपने ऐसा पहले भी कर रखा है, इट इज जस्ट द रेपिटिशन ऑफ द थिंग्स। आइए देखें, करके देखें सॉल्व इसको। और मैं लिखता हूं न्यूमेरिकल बेटे, आप नोट करिएगा। न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है सपोज ए प्लैनेट एग्जिस्ट्स, न्यूमेरिकल है नेक्स्ट वाला बेटा। सपोज ए प्लैनेट एग्जिस्ट्स हूज मास एंड डायमीटर बोथ आर, हूज मास एंड डायमीटर बोथ आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ, ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट। ये देखिएगा बेटे, करके आप स्टार्ट करिएगा, मैं भी सॉल्व करूंगा। स्टेटमेंट पार्ट सिंपल है, आपको कहा गया है कि मान लीजिए एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है जिसका मास भी अर्थ के मास से डबल है और जिसका डायामीटर भी अर्थ के डायामीटर से बेटे डबल है, उस प्लैनेट पे जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? दिस इज नीडेड, आप लगाइए 2-3 मिनट्स बेटा। आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग इन द एंड, फिर हम बेटे अपने आंसर्स जो है इनको टैली कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं बेटा, और देन देखिएगा करके फिर ऑल ऑफ यू बेटा। दो मिनट लगाइएगा सारे स्टूडेंट्स बेटे जरूर, और फिर हम बेटा नीचे करिए, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ आ रही है, रीचेक करो पुत्र। ईवा, हरगुन, हरनूर, लवलीना, चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूं फिर बेटे इसको सॉल्व करना। और आइए देखें किस तरीके से हम बेटा अपना जो है इसको वर्कआउट कर सकते हैं और हमारा कितना यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा। आइए देखें बेटा, आपने कर रखा है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये आपने अर्थ के लिए किया हुआ है। इसको मैं फॉर द अर्थ ऐसे लिख देता हूं, फिर थोड़ा सा हमें
डिस्टिंक्शन हो जाएगी कि कौन सा हम कर रहे हैं, एंड लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। अब आपको उन्होंने कहा है कि प्लेनेट एक ऐसा है जिसका मास अर्थ के मास से डबल है, मास ऑफ द प्लेनेट इज ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ, ये चीज आपको दे रखी थी कि लवलीना, और अगर डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी बेटे डबल ही होगा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट दिस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये चीज आपको उन्होंने दी हुई है बेटा। अब आप इन दोनों वैल्यूज को बेटे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जी एट द प्लेनेट सरफेस इट विल बी इक्वल टू दिया, अब ठीक है, कैपिटल जी मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द प्लेनेट, इसका स्केयर कर दीजिएगा, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। थोड़ा सा प्रोसीजर बच्चों नोट करिएगा कि किस टेक्निक के साथ ये सॉल्व किया जा रहा है, टू को वन से डिवाइड कर दीजिए, जी ऑन द प्लेनेट जी ऑन द अर्थ, दिस इज जी एम अपॉन आर ऑन द प्लेनेट, इसको उल्टा करके लिख दो इस वाले को, आर ऑन द अर्थ का स्क्वायर जी एम गेटिंग कैंसल्ड, जी ऑन द प्लेनेट दिस इज जी ऑन द अर्थ, इसको मैं इधर ले गया हूं, रेडियस ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द प्लेनेट, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा। सो आइए देखें कितना आता है, हमारे पास बेटे आफ्टर वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज वी विल बी हैविंग G on the surface of the planet, this is equal to G on the earth, 9.8 है, radius of the earth, आपका जो है ये इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए, planet का radius जो है ये 2 times है earth की radius के, 2 times the radius of the earth, इसका square करिए, और आपके पास जो है एक मिनट बेटी, मास की वैल्यू भी ट्वाइस दी हुई है, रेडियस भी आपको ट्वाइस दिया गया है, सो यस बेटे मास हमने, हमें ये मास नहीं कैंसिल आउट करना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा हमें रीलुक करना पड़ेगा इसको, मास की भी यहाँ पे बेटे आपको उन्होंने दी हुई है, लेट अस बेटे रीलुक ऑन दिस वंस अगेन, G on the planet, G on the earth, 2 है आपका जी एम प्लेनेट का और रेडियस ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, G मास ऑफ द अर्थ, सिर्फ G कटेगा आपका, बाकी आपका रह जाएगा बेटे, सो इट विल बी G अर्थ को मैं ले गया उस तरफ, मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ, मास वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, देन रेडियस ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ये टर्म्स एक जगह इकट्ठी कर दी, सो वी विल गेट जी ऑन द प्लेनेट, प्लेनेट का मास बेटे 2 टाइम्स अर्थ के मास के, ये जी ऑन द अर्थ 2 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, ये नीचे आपका अर्थ का मास एज सच आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज सच आप लिख दोगे, रेडियस ऑफ द अर्थ एज सच लिख दीजिए, प्लेनेट का रेडियस 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका कर दीजिए स्केयर, अब आपका जो है रिजल्ट आपको मिल जाएगा, काफी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जी ऑन द प्लेनेट जी ऑन द अर्थ, ये देखिए बेटे आपके पैरामीटर्स कट गए, दिस इज 2 एंड इट इज 1/2 का स्केयर 4, इट विल बी और G on the planet is G on the earth into 1/2, G on the planet is 4.9 meter per second का square, so इस तरीके से बेटे आप G की value जो है इस planet की surface के ऊपर निकाल सकते हो, तो yes बेटे the meek बिल्कुल ठीक है, so किसी student को कोई बात नहीं पता चली तो you are most welcome, मैं repeat कर सकता हूँ, all of you dear children, किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं पता चली तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी रिपीटिंग दैट,
अदरवाइज फिर चलिए आगे बेटा। ओके बेटा, बिल्कुल ठीक, अगर आपको समझ लग गया है, वेरी राइट, ठीक है बेटा। एक छोटा सा और प्रॉब्लम है इसके बाद, आइए वो भी देखें। सिंपल सा है, हाइट की एस्टीमेशन के लिए है। आई होप यू ऑल आर हैविंग नोटबुक एंड पेन विद यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल रादर। न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाला जो है, इट स्टेट्स, स्टेटमेंट पार्ट में लिख रहा हूं, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग, टेक्स 4 seconds टू रीच द ग्राउंड। ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग टेक्स, बिल्डिंग टेक्स 4 seconds टू रीच द ग्राउंड। आपको कहा क्या गया है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सिंपल है वैसे तो, पर फिर भी आप एक मिनट लगाइए बेटा। आपने ऐसा क्वेश्चन पहले ऑलरेडी कर भी रखा है। जब आप स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप करने का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट मस्ट बी जीरो, ठीक है जी। और टाइम आपके पास 4 seconds का दिया हुआ है, हाइट आपको निकालनी है। दिया 7.84 meters, 7.84 meters आंसर बेटी कहीं नहीं दिख रहा। रमणीक एक बार रीचेक करना, एक बार बेटे रीचेक करना अपना आंसर रमणीक। बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व करिए बेटा, ऑल ऑफ यू। अर्शप्रीत, अर्चिता, आस्था, मिलन, दिया, हरगुन, हांजी पुत्र, हरनूर सिंह, लवलीना, मेहर, पनिका, सबका नाम नहीं ले मैं पा रहा हूं। 80 meters दिया है इस कैलकुलेटेड में भी जी। आपने 10 लिया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं, आप सारे स्टूडेंट्स बेटे साथ साथ देखिएगा कि किस तरीके से। यस बेटे रमणीक, वेरी राइट, गुड बेटे। डिस्टेंस कवर्ड एस जो है ये यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर हुआ करता है, अर्शप्रीत कौर, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 0 × t + 1/2 × 9.8 × t 4 seconds है, इसका स्केयर कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। एंड डिस्टेंस कवर्ड विल बी 1/2 9.8 × 4 × 4 कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 आ गया, 2 × 4 = 8, दिस इज 9.8 × 8। और बच्चों ये आपके पास क्या बना फिर, s इज इक्वल टू 9.8 × 8 बना था ना, 78.4 meters आपका डिस्टेंस कवर्ड आ रहा है स्टोन का। सारे बच्चे एक बार उत्तर चेक करके देखो, सारे बच्चों का आ गया है कि कोई किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो भी बताइएगा। यस बेटे, बिल्कुल ठीक लवलीना, बिल्कुल ठीक। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको कह दूं कि इसी क्वेश्चन में आप वेलोसिटी निकाल दीजिए विद विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस बेटा। इसमें साथ ही मैं ये भी कर देता हूं, आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। जिस वेलोसिटी से वो 40, सारे बच्चों ने फटाफट निकाल दिया है 40, लेकिन आप जी आई होप कि 10 ले रहे होंगे फिर बेटे सारे स्टूडेंट्स।
चेक करके देखिएगा जी आपने। यस 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 ठीक है बेटे, ठीक है अर्शप्रीत कौर। हाँ जी बेटे बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा चलिए फिर ठीक है। 39.2 ठीक है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS लगा दीजिए। बिल्कुल ठीक बेटे रमनीक राइट। अगर हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS लगा दें तो आपके पास वी निकल जाएगा, या वी इज इक्वल टू U प्लस ए टी लगा दीजिए तो अब भी आ जाएगा V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी आ जाएगा। और V इज इक्वल टू यू तो आपका है नहीं है, 0 है। दिस इज 9.8 इंटू टी 4 है। V बन गया 39.2 मीटर्स आपने निकाल दिया है ऑलरेडी। सो दैट्स समथिंग वेरी नाइस। चलिए आगे चलें देन बेटा। एक और न्यूमेरिकल आपको देता हूं छोटा सा, आइए देखें सॉल्व करके बता इसको भी आगे किस तरीके से हमें ये चीज दी गई है। लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दैट पार्ट आल्सो बेटा। इसके बाद बेटे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बेटे। जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द मून आई होप कि आप जानते हैं। सो क्वेश्चन है बेटा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 63 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स मास एंड वेट ऑन द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे आपको इसका वेट भी निकालना है, मास भी निकालना है। बच्चों मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वेट ऑन द मून इट इज 1/6 times वेट ऑन द अर्थ होता है। तो वेट ऑन द अर्थ विल बी 6 times वेट ऑन द मून। वेट ऑन द अर्थ विल बी 6 times 63 न्यूटन। वेट ऑन द अर्थ विल बी 378 न्यूटन। यस हाँ रमनीक, वेट ऑन द मून 1/6 times वेट ऑन द अर्थ होगा ना बेटा। आपको अर्थ पे निकालना है वेट, तो ये 6 times हो जाएगा। यस अब वेट होता है मास इनटू जी के बराबर। ये 378 है तो मास आ जाएगा 378 10 ही कर देता हूं मैं, तो इट विल बी 37.8 किलोग्राम आ जाएगा बेटा। और मास में कोई चेंज नहीं आएगी, अर्थ पे भी मास इतना ही होगा, मून की सरफेस पर भी इतना ही होगा। सारे बच्चे चेक कर लीजिए बेटे। ओके बेटा सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटे। कल आपको मैं प्रैक्टिकल आगे करवाऊंगा तो बी रेडी फॉर दैट। सो थैंक यू ऑल बेटा।